हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 7 चैप्टर जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने का 100% चांस है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का फटाफट आंसर कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको जरूर नोट डाउन करना है। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले इसका पूरा थ्योरी को यानी कि एक्सप्लेनेशन को पढ़ा दिया गया है, जो भी बच्चे उसको नहीं पढ़े इसके बाद या फिर इससे पहले भी उस वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिए। परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व है, हम लोगों ने इस चैप्टर में यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा इस चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने सुरक्षा से रिलेटेड सब कुछ को पढ़ा था। दो चीज को पढ़ा था, एक था आपका पारंपरिक, एक था आपका गैर पारंपरिक। ठीक है, तो दो प्रकार होता है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पारंपरिक में जो है आपका सैन्य और गृह युद्ध, सैन्य हमला को और गृह युद्ध को, ये दोनों को रखा गया है। सैन्य युद्ध जो है वो बाहरी हमला है और गृह युद्ध जो है वो अंदर है। और हम लोगों ने एक चीज ये भी देखा था कि लगभग आज के जमाने में लगभग 95% कितना 95% वो जो है गृह युद्ध होता है और 5% वो जो है सैन्य हमला होता है। सैन्य हमला मतलब क्या, कोई बाहरी देश के द्वारा जैसे कि चीन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा अगर यहाँ पर इंडिया में हमला किया जाता है तो इसको बोलेंगे सैन्य हमला, जो कि 5% होता है। और गृह युद्ध जो कि अंदर एक राज्य राज्य के बीच होता है, एक जिला जिला के बीच होता है, तो इसको बोला जाता है गृह युद्ध। ठीक है, जो कि आजकल 95% होता है। तो हम लोगों ने बहुत मजे के साथ पढ़ा था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व है, फटाफट आंसर देंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जी हाँ, शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन बनाना भी है, सामूहिक सुरक्षा भी है। हमने आपको ये भी करवाया था कि शक्ति संतुलन होना बहुत जरूरी है। शक्ति संतुलन में क्या होता है, जैसे कि अगर चाइना हमला करने वाला है या फिर नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग जो है अपना सैनिक को तैयार रखते हैं, इसी को बोलते हैं शक्ति संतुलन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, कभी कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक आपका गठबंधन बनाना, ठीक, एक आपका सामूहिक सुरक्षा। तो ये तीनों फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, नंबर 2, गठबंधन का अर्थ है। चलिए गठबंधन का अर्थ है क्या होगा, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन, या फिर दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण के लिए गठबंधन, या फिर आंतरिक शांति के लिए गठबंधन। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, बहुत मजे के साथ पढ़ा था कि कई देश मिलकर के, जैसे कि एक नाटो संधि हो गया, एक आपका सीटो संधि हो गया, ठीक है, एक आपका सीटो संधि हो गया, एक आपका वर्षा संधि हो गया। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था कि कई देश जो है वो मिलकर के एक संधि बनाता है जिसमें यह सिद्धांत रहता है उसका कि कोई भी बाहरी देश अगर किसी एक भी देश पर हमला कर दिया तो ये सभी देश यानी कि नाटो में सम्मिलित जितने भी देश है ये सभी देश मिलकर उस पर वापस हमला करेगा, बस इसी चीज को बोलता है गठबंधन। ठीक है, तो सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच यानी कि देशों के बीच गठबंधन, फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, नंबर 3, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ, हम लोगों ने देखा था वैश्विक सुरक्षा में आपका कौन कौन सा आता है, जैसे कि हम लोगों ने कई महामारी का नाम लिया था जिसमें आपका एड्स आया था, जिसमें आपका फ्लू वर्स आया था, जिसमें अभी आपका प्रेजेंट में जो कोरोना COVID-19 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है वो किस दशक में हुआ था, इसका जो आप करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1990 के दशक में, ये भी हम आपको पढ़ाए थे एक्सप्लेनेशन में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, 4, जमात उद दावा किस देश का आतंकवादी संगठन है। आपको एक चीज से और सुरक्षा चाहिए वो है आतंकवादी। ठीक है, तो ये जो है जमात उद दावा ये किस देश का आतंकवादी संगठन है, बांग्लादेश का, इराक का, पाकिस्तान का, कुवैत का, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पाकिस्तान। तो जमात उद दावा किस देश का आतंकवादी संगठन है वो है पाकिस्तान का। 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र के अंदर शांति एवं कानून व्यवस्था से है, या फिर आंतरिक सुरक्षा पर ही बाह्य सुरक्षा निर्भर करता है, या फिर सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा है आंतरिक सुरक्षा या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा वो आंतरिक आता है, गृह युद्ध जो है वो क्या है आंतरिक सुरक्षा है, और सैन्य हमला वो क्या है बाहरी सुरक्षा है। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा पर ही बाह्य सुरक्षा निर्भर करता है बिल्कुल सही है, आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र के अंदर शांति एवं कानून व्यवस्था से है बिल्कुल सही है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, 6, सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है। ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्रों को जमा करना, या फिर अस्त्र शस्त्र के लिए गठबंधन बनाना, या निशस्त्रीकरण एवं अश्व नियंत्रण में विश्वास। जवाहरलाल नेहरू जो थे
वो किसको मानते थे, वो निशस्त्रीकरण को ज्यादा मानते थे। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या हो गया, ऐसे हथियार का उपयोग करने के लिए मना करता है इसमें जिससे कि ज्यादा नुकसान हो, जैसे कि अगर परमाणु बम का बात कर ले या बहुत बड़े बड़े हथियार का बात कर ले जिसमें आम लोगों की जिंदगी जो बेकसूर लोग उसकी जो जाने जाती है, तो उस हथियार का प्रयोग करने के लिए मना करता है, वही जो है आपका निशस्त्रीकरण में आता है। ठीक है, तो सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों, वह निशस्त्रीकरण एवं अश्व नियंत्रण में विश्वास। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, निशस्त्रीकरण एवं अश्व नियंत्रण में विश्वास। जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, वो जो है इस चीज का हिमायत करते थे, यानी कि इस चीज को सपोर्ट करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो भी विद्यार्थी एक्सप्लेनेशन को या थ्योरी को नहीं पढ़े जरूर जाके पढ़िएगा, क्योंकि उसमें अगर आप पढ़ लेते हैं उसको तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, और सब्जेक्टिव और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो भी जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जरूर देखिए, सारी क्वेश्चन को वहां पर करा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है। मानव अधिकार जो है वो मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंधों से संबंधित अधिकार, व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार, व्यक्ति के पारिवारिक अधिकारों का या फिर उपरोक्त में से किसी अधिकारों को नहीं। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, वहां ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था। तो मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 10 दिसंबर। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। मानवाधिकार का मतलब क्या हो गया, मानव को अधिकार से रिलेटेड, ये भी एक प्रकार का सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो 8 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब पास किया था। ये भी देखिए आपका हाल ही में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा है उसका प्रस्ताव को कब पास किया था, कब पारित किया गया था, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है कि दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पारित हुआ था, इसी दिन प्रस्ताव को जो है पास किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। चैप्टर के शुरुआत में भी हमको बताया था कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या, खतरे से मुक्ति, खतरे को अनदेखी करना, खतरे से निपटने के लिए गठबंधन बनाना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत लोग जो है डी लगा देंगे जल्दी जल्दी में। सुरक्षा के बुनियादी का अर्थ मतलब हो गया कि खतरे से मुक्ति या फिर खतरे से आजादी। ठीक है, तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या हो गया, खतरे से मुक्ति। करेक्ट आंसर 10 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये है उसका बुनियादी अर्थ, यानी कि बेसिक अगर मतलब समझे तो। बाकी खतरे को अनदेखी करना ये तो होगा ही नहीं, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई खतरा है तो उसको अनदेखी करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। खतरे से निपटने के लिए गठबंधन बनाना ये हो सकता है, लेकिन ये खतरे से निपटने के लिए, ठीक है, अर्थ क्या है सुरक्षा का, सुरक्षा का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है तो वो खतरे से मुक्ति है, मतलब सुरक्षा मतलब हमको खतरा नहीं होना चाहिए, बाढ़ सुखाड़ सैन्य हमला इन सभी चीजों से हम लोगों को बचना है। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है, शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो 11 का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है इनमें से सभी। तो परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं ये भी देखिए आपका 2021 का रोल एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीनों हो जाएगा, यानी कि शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, शक्ति संतुलन में तो मैंने आपको बताया दिया कि एक देश जो है दूसरे देश के प्रति सभी हथियारों को सैन्य क्षमता को तैयार रखता है, जैसे कि भारत रखता है। गठबंधन की राजनीति मतलब वही नाटो सीटो बनता है इसमें। ठीक है, और सामूहिक सुरक्षा एक आपका आता है, इसका मतलब यह हुआ, यानी कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह हुआ कि कोई अगर एक राज्य पर, किसी देश के अंदर एक राज्य पर खतरा है तो इसका मतलब है कि सभी राज्य के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, तो यह आपका सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 12, किसी संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया है। किसी संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया है, परमाणु प्रसार में, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध में, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध में। यह भी क्वेश्चन हम आपको कई बार करवाए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध। ठीक है, राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 12 का। तो कौन सा संधि है वो जिससे कि परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है, वो है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध। ठीक है, ये कब लागू हुआ था, तो ये आपका 24 सितंबर, ध्यान रखिएगा 24 सितंबर 1996 को। तो परमाणु
परमाणु परीक्षण को, यानी कि ये जो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध है जिसमें पूर्ण तरीके से परमाणु परीक्षण को या फिर परमाणु का यूज करने को वर्जित किया गया है, वो कब किया गया था? 24 सितंबर 1996 को। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए जो कि आपके एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। किसी देश के पास अर्थात किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में मुख्यतः 3 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं? 3 रास्ते। सबसे पहला, अगर किसी के साथ युद्ध हो जाए या फिर युद्ध होने वाला हो तो वहां पर कोई देश के पास, किसी सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता है हमलावर को पराजित करना, या तो उसको हराना और युद्ध लड़कर जीत हासिल करना, ठीक है, या फिर आत्मसमर्पण कर देना, दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता आपका हो गया कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, यानी कि अगर मान लेते चीन वाला या पाकिस्तान वाला हम पर हमला कर रहा है और वो जो मांग रहा है उस चीज को मान लेना, तो ये हो गया कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, या फिर युद्ध से होने वाले विनाश को, नुकसान को उस हद तक बढ़ाकर संकेत के माध्यम से उसको दिखाना कि दूसरा पक्ष जो भी युद्ध करने के लिए आए वो इस चीज को महसूस करे और उसको आराम से रोक दे, यानी कि जो इस युद्ध से जो परिणाम होने वाला, जो विनाश होने वाला है, जो प्रलय होने वाला है, उस चीज को वो देखे, ध्यान से उसको समझे, उसके बाद वो जो है उस युद्ध को पहले ही रोक दे। तो ये 3 रास्ता होता है कोई भी देश के पास अर्थात युद्ध की स्थिति में कोई भी सरकार के पास, ठीक है। अब देखते हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि बढ़ती जनसंख्या, विश्व की अभी प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है? 760 करोड़। कितनी है? 760 करोड़। यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य में, यानी कि 2050 तक कितनी हो जाएगी? 1000 करोड़, ठीक है। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का जो है 50%, यानी कि पूरे दुनिया में जो 50% आबादी है वो सिर्फ 6 देश में बसते हैं, एक भारत में, चीन में, नाइजीरिया में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में तथा बांग्लादेश में। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, 6 देश कौन कौन सा है और 2050 तक जो है 1000 हो सकता है, यानी कि 21वीं सदी के मध्य तक। अभी प्रेजेंट में 760 करोड़ है और 50% आबादी जो है वो 6 देशों में, वो देश आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुमान के अनुसार अगले 50 सालों में विश्व में सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, मतलब जो, यानी कि 50 सालों में, अगले 50 सालों में जो देश सबसे ज्यादा गरीब होगा उसमें जो जनसंख्या है वो 3 गुना बढ़ेगा, 3 गुना, समझ गए। और जो अमीर देश होगा, जो धनी देश होगा, वहां पर जो है जनसंख्या और भी घटेगी, ठीक है। तो वहां पर बढ़ेगी, यानी कि जो गरीब देश है वहां पर बढ़ेगी 3 गुना, और जहां पर अमीर देश जो होगी, जो धनी देश होगी, वो घटेगी। बहुत सारे इसमें फैक्टर करता है। अब गरीब देश होगा तो इसका मतलब उसके पास शिक्षा का कमी होगा, शिक्षा का कमी होगा तो ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ेगा। अब वहीं पर देखिए, अगर धनी देश होगा तो ऑटोमेटिक ये धनी इसलिए है क्योंकि 100% यहाँ पर लोग जो है शिक्षित होगा, साक्षरता वाले सभी लोग होंगे, अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे, तो यहाँ पर जो जनसंख्या कहीं ना कहीं कंट्रोल की जाएगी और इतना कंट्रोल की जाएगी कि उल्टा घटने लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर विश्व का सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका को सहारा मरुस्थल के दक्षिण वर्ती देशों से होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है, ठीक है। तो कौन सा? विश्व का सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो कि दक्षिण वर्ती देशों में होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग जो है वो बेहतर जीवन के लिए कहां पर आते हैं, यानी कि बेहतर अवसर के लिए वो खोज में, उसकी तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध से, क्योंकि वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पॉइंट अपरवासी, आपको एक अपरवासी का मतलब और एक आपको शरणार्थी का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अपरवासी का मतलब हो गया कि जो खुद से, जो अपने मर्जी से देश को छोड़ता है उसको बोलता है अपरवासी, कोई भी जोर जबरन नहीं, अपने मर्जी से। और ये हो गया शरणार्थी। शरणार्थी में आपका आ जाता है कि कोई अगर युद्ध कर दे, बाहरी कोई देश युद्ध कर दे, उस समय आप भाग गए, या फिर कोई अगर बाहर आ गया, सुखाड़ आ गया, या कि प्राकृतिक कोई घटना हो गया तो उसके वजह से आप भाग गए, तो इसको बोलते हैं शरणार्थी, ठीक है। तो अपरवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश को छोड़ते हैं, स्वदेश मतलब खुद का देश को छोड़ते हैं, वो अपरवासी कहलाता है। तथा जो युद्ध प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं उसे शरणार्थी कहते हैं, या फिर वो शरणार्थी कहलाता है, ठीक है। अभी एक लास्ट पॉइंट आपका, 2 पॉइंट देखिए। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के बीच कुल युद्ध जो है कितने हुए थे? 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। तो 1990 से लेकर के 95 के बीच टोटल 70 देशों के बीच कुल कितने युद्ध हुए? 93 युद्ध। कितने युद्ध? 93 युद्ध। कब? 1990 से 95 के बीच 70 देशों में टोटल 93 युद्ध हुए जिसमें से 55.5 लाख लोग मारे गए, समझ गए। दूसरा पॉइंट आपका कि 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए तथा इसमें 3 को छोड़कर बाकी सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। तो चीजें आपको समझ में आ गई, इसका पूरा थोड़ी आपको पढ़ा दिया गया, जरूर जाके पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉलेज भी आपको बहुत जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग सब्जेक्टिव चैप्टर 8 आपका 9 दो चैप्टर और है, उसके बाद फिर आपका जो है उस बुक में 3-4 चैप्टर है, तो और 4-5 चैप्टर आपका बच गया, वो खत्म होने के बाद फिर आपका सिलेबस हो जाएगी खत्म।
वीडियो को जो भी बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से पढ़ाई जाती है। और एक बार जम करके सारे दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज को देख ले, बहुत कम है और अच्छे से उसको नॉलेज हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सभी क्लास जब जब होती है आपकी जरूर जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपकी सारे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाती है। थैंक यू।